हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपको जो एड स्टेबिलिटी का जो ये एरर आता है वो कैसे फिक्स करना है। ये एड स्टेबिलिटी का एरर कब आता है? जब आप कोई कंटेंट यूज करते हो जो या फिर आपने कोई ऐसा कंटेंट यूज किया है जो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, वो आपको यूज नहीं करना है इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, इसको एरर को कैसे फिक्स करना है ना है हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज मैं लेके आता रहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो, डेस्कटॉप से, या फिर कंप्यूटर, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर से हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब वीडियोज मिल जाएंगे इस चैनल के अंदर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एरर आपको रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊँगा कि ये एरर डेफिनेटली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ऐसे मैंने बहुत सारे एरर मेरी वीडियोज़ के अंदर थे तो जो मैंने यहाँ पर फिक्स करके लिए हैं यूट्यूब से, ठीक है। मैं वो आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि वो कैसे यहाँ से मेरी वीडियो से रिमूव भी हो गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका माउस है जो यहाँ पर लेके जाना है, आपको जो एड स्टेबिलिटी है यहाँ पर आपको लेके जाना है, और रिक्वेस्ट रिव्यू पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक ऑन रिक्वेस्ट रिव्यू बटन, ओके। यहाँ पर इसने लिखा भी है कि आपकी जो वीडियो है उस पर आपका लिमिटेड एड्स आएंगी या फिर बिल्कुल भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये रिक्वेस्ट ह्यूमन रिव्यू, मतलब क्या है कि जो आपके पास ये एड स्टेबिलिटी का जो ये आता है, ये कब आता है, जो ऑटोमेटिकली इनका एक सर्वर होता है, इनका कोई सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है आपकी वीडियोज के अंदर कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वो डिटेक्ट कर लेता है, कई बार मशीन से प्रॉब्लम भी गलती हो जाती है, तो उसको हम लोग ह्यूमन मतलब जो खुद कोई बंदा यहाँ पर इसको चेक करेगा इस वीडियो को, फिर उसके बाद उसका उसको रिव्यू करेगा और उसके बाद उसको एड स्टेबिलिटी को हटा देगा, अगर आपकी वीडियो में कोई ऐसा वैसा कोई करेक्टर ना हो, मतलब कंटेंट या आपने यूज ना किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको चेक कर देना, चेकबॉक्स को आई कन्फर्म दिस वीडियो मीट, ठीक है, आपको एक बार ये चेक कर देना है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है, ओके। थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे नीचे रिक्वेस्ट सबमिटेड, तो यहाँ पर आपका एक ऐसा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखोगे, जो आप वापस से उसके ऊपर माउस लेके जाते हो तो अंडर रिव्यू आपको ऐसा एक यहाँ पर दिखने लग जाएगा, ठीक है। और 7 दिन के अंदर आपका ये रिव्यू, 7 दिन के अंदर रिव्यू हो जाएगा और आपका ये एड स्टेबिलिटी जो एरर है ये हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने ये किया था तो वो कैसे उन्होंने मेरे को क्या रिप्लाई दिया, गूगल की तरफ से, गूगल एडिसेंस की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से मेरे को क्या मेल आया था, ठीक है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारी मेल आई हुई है, क्योंकि मैंने मेरी वीडियोस, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो मेरे को यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस ऐसा एड स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ गया था। देखिए यहाँ पर ये वाली वीडियोस हैं, और इसके बाद आप थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ पर भी है, यहाँ ये वाला, ओके। यहाँ पर आप देखोगे, चेक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, इसमें कोई आपको खोल कर दिखा देता हूँ, ओपन करके दिखा देता हूँ इसमें से कोई एक मेल। जैसे ये मेल है, ये मैंने मेल ओपन किया तो इसने यहाँ पर लिखा है, हाय राम टेक्निकल हेल्प, ग्रेट न्यूज, आफ्टर मैनुअली रिव्यूइंग योर वीडियो। उन्होंने बोला है कि आपके लिए अच्छी खबर है, जब हम लोगों ने इसको मैनुअली रिव्यू किया, वी आर डिटरमाइंड दैट इट इज स्टेबल फॉर ऑल एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजर, ठीक है। ये बोला है कि सभी आपके लिए एड्स के लिए आपका चैनल जो आपकी वीडियो है ये स्टेबल है, मतलब स्टेबल है, आप इस पर हम लोग एड दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको एक मेल आएगा जब आपका यो एड स्टेबिलिटी एरर आपका हट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इससे आपका वीडियोस भी दोबारा से मोनेटाइज हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको एड स्टेबिलिटी जो एरर है उसको कैसे हटाना है आपकी वीडियो से, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और शेयर प्लीज़। थैंक यू सो मच।